बॉलीवुड इंडस्ट्री में आज के दौर की कई हसीनाएं ऐसी हैं जो अपनी खूबसूरती से सबके होश उड़ाती नजर आती हैं। लेकिन अगर वही बात करें 90 के दशक की अभिनेत्रियों की, तो इस लिस्ट में कई हीरोइंस हैं जो आज भी इंडस्ट्री में अपनी खूबसूरती और दमदार एक्टिंग से सबके होश उड़ाती हैं। आइए इस वीडियो में देखते हैं ये एक्ट्रेस अपनी यंग एज में कैसी दिखती थी। सबसे पहले बात कर लेते हैं शिल्पा शेट्टी के बारे में। शिल्पा शेट्टी अपनी यंग एज में कुछ इस तरह की दिखती थी। जमीन आसमान का फर्क था शिल्पा के लुक्स में। पहले की शिल्पा और अभी की शिल्पा को देखकर आप कह ही नहीं सकते कि एक ही इंसान की तस्वीरें हैं। अपनी पतली कमर से सबको दीवाना करने वाली शिल्पा कुछ इस तरह से नजर आती थी। अब बात कर लेते हैं 90 के दशक के टॉप एक्ट्रेस जूही चावला के बारे में। जूही चावला अपनी यंग एज में कुछ इस तरह से नजर आती थी। मिस इंडिया रह चुकी जूही चावला ने अपनी अदाकारी से सभी का दिल बहलाया है और लोगों को इनका काम खूब पसंद आया। सुपरस्टार जूही चावला अपनी यंग एज में बेहद खूबसूरत नजर आती थी और आज भी वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत दिखती हैं। इसके बाद हम एक नज़र डालते हैं उर्मिला मातोंडकर पे। उर्मिला की अगर हम पहले की तस्वीरें देखें और अब की तस्वीरें देखें तो ऐसा लगता है कि दो अलग इंसान हैं। चमत्कार में दिखने वाली उर्मिला और रंगीला में दिखने वाली उर्मिला ऐसा लगता है कि दो अलग अलग अभिनेत्रियां हैं। इतना बदलाव आया है इनके फेस में कि बहुत ही ज्यादा पहले के कंपैरिजन में खूबसूरत लगने लगी थी उर्मिला। चमत्कार वाली हमारी उर्मिला आज के जमाने में कुछ इस तरह से दिखती है। 90 के दशक की ये टॉप एक्ट्रेस उर्मिला मातोंडकर किस किस को पसंद थी कमेंट करके जरूर बताएं। और पहले की उर्मिला में आज की उर्मिला में आपको कितना फर्क नजर आता है ये भी बताना ना भूले। इसके बाद बात कर लेते हैं हम करिश्मा कपूर की। अगर इस लिस्ट में हमने करिश्मा का नाम नहीं रखा तो फिर क्या ही रखा। पहले की करिश्मा और आज की करिश्मा में है जमीन आसमान का फर्क। पहले करिश्मा कुछ इस तरह से नजर आती थी। पहले भी ये सुंदर थी, बहुत ज्यादा खूबसूरत थी, पर बाद में इनके चेहरे में इतने बदलाव आए ये और भी ज्यादा खूबसूरत दिखने लगी। नीली आंखों वाली करिश्मा सभी के दिलों में छाई रहती थी और ये 90 के दशक की एक टॉप एक्ट्रेस थी। आज भी ये अपनी OTT से वापसी करने वाली हैं, अपना कमबैक करने जा रही हैं। अब बात कर लेते हैं धक धक कर माधुरी दीक्षित की। पतली दुबली माधुरी दीक्षित 90 के दशक में या यूं कहें कि अपनी यंग एज में कुछ ऐसी नजर आती थी। तीखे नैन नक्श वाली माधुरी दीक्षित जैसे जैसे एज बढ़ती गई और भी ज्यादा खूबसूरत होती गई और आज भी इनकी खूबसूरती के चर्चे होते रहते हैं। फिल्म देवदास में इनकी खूबसूरती ने ऐसा कहर ढाया कि सब इनको देखकर दीवाने हो गए। आज हमारी माधुरी दीक्षित कुछ इस तरह से नजर आती हैं। एक वक्त था जब इन्होंने सलमान से ज्यादा फीस ली थी। अब बात कर लेते हैं ऐश्वर्या राय की। द मिस वर्ल्ड ऐश्वर्या राय कुछ ऐसी नजर आती थी अपनी यंग एज में और इनके बारे में, इनकी खूबसूरती के बारे में तो क्या ही कहें। ये पहले भी बहुत खूबसूरत थी और आज भी बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हैं। शायद ही कोई होगा जो इनको पसंद नहीं करता होगा। वेल, किस किस की फेवरेट हैं ऐश्वर्या राय बच्चन, आप अपनी बात कमेंट में जरूर बताएं। और इन सब में से कौन सी एक्ट्रेसेस आपकी फेवरेट है ये भी बताना ना भूलें। अब हम एक नजर डाल लेते हैं रवीना टंडन पर। टिपटे बरसा पानी सॉन्ग में अपनी अदाओं से आग लगाने वाली एक्ट्रेस रवीना टंडन कई बॉलीवुड एक्टर का क्रश रह चुकी हैं और 90s के दशक की ये एक टॉप एक्ट्रेस थी और आज भी OTT पे अच्छा काम कर रही हैं। नेशनल अवार्ड विनिंग एक्ट्रेस हैं ये और इन्होंने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत सलमान खान के साथ की थी। आज ये कुछ इस तरह से दिखती हैं। 90s की एज में भी ये बेहद खूबसूरत नजर आती थी और आज भी ये बेहद खूबसूरत। अब जाते जाते एक नजर डाल लेते हैं सुपरस्टार दीपिका पादुकोण पर। दीपिका पादुकोण आज एक जाना माना नाम है, सभी के दिलों पर राज करती हैं दीपिका। दीपिका पहले भी बहुत खूबसूरत थी और आज भी बेहद खूबसूरत है, पर क्या आप जानते हैं दीपिका अपनी यंग एज में किस तरह से नजर आती थी? तो चलिए आपको दिखाते हैं दीपिका की कुछ पुरानी तस्वीरें। कुछ ऐसी दिखती थी दीपिका, पहले भी काफी खूबसूरत थी और अब उससे भी ज्यादा खूबसूरत हो गई हैं। आपको कौन सी एक्ट्रेसेस सबसे ज्यादा अच्छी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। और आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।